सस्ती कंपनियों की खाद ब्रांडेड कंपनी में पैक कर किसानों के साथ छलकपट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कृषि विभाग और भवरकुआ पुलिस ने आरटीओ रोड पर छापामार कार्रवाई कर किया है। बड़ी मात्रा में लाखों रुपए की खाद भी बरामद की है। दरअसल भवरकुआ थाना पुलिस और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरटीओ रोड के पास मौजूद एक गोदाम में छापेमार कार्रवाई की, जहां पुलिस को जानकारी मिली थी कि लोकल कंपनियों का खाद ब्रांडेड महंगी कंपनी के खाद के नाम पर पैकिंग कर किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा था, जिसके चलते किसानों की फसलें खराब हो सकती हैं। इसी के चलते बड़ी मात्रा में वहां महाधन फर्टिलाइजर देवास की कंपनी की खाद को ब्रांडेड यूपीएल कंपनी की खाली पैकेजिंग में भरकर उन्हें मार्केट में बेचा जा रहा था। मौके से पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य सरगना अभी भी फरार है। पुलिस ने 357 बोरी खाद और 8 किलो यूपीएल फर्टिलाइजर बरामद किया है। इन सभी खाद की बोरियों को सिवनी भेजने की तैयारी चल रही थी। जो प्रोम है महाधन फास्फेट का, उसकी खाली बोरियां जिसको रिफिल किया गया, वो भी 351 यहां से बरामद। क्या अनियमितता है सर इसमें? अनियमितता ये है कि जो प्रोम है, प्रोम में उतने कंटेंट नहीं रहते जितने डीएपी में रहते हैं। डीएपी एक इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र है जो महंगा होता है, और उसकी जगह पे प्रोम नहीं ले सकता। किसानों को धोखे से ये डीएपी बेचा जा रहा है जो उसमें उतने कंटेंट नहीं है, और किसानों के साथ उसकी फसलों को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसको जितना कंटेंट वो सोचकर बोएगा खेत में डालेगा उतना कंटेंट नहीं मिलेगा, उसकी यील्ड में गिरावट आएगी। कितना माल होगा सर? कौन है? ये लगभग 5 लाख 5.25 लाख रुपये का माल है। ये कौन संचालन करा था अंतर, क्या कुछ करा? यहाँ कोई सचिन कटारिया नाम है और एक राजेंद्र बिरथरे नाम बताया गया है साथ में हमें। कितने समय से कराते हैं यह जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी ये मतलब प्राइमा ट्रक भी यहाँ पर मौजूद है। ट्रक में ये जा रहा था माल, जाने की तैयारी में था। ये सिवनी जा रहा था, सिवनी बालाघाट जैसा बताया हमने, ड्राइवर ने बताया। कितने ट्रक ये ले जा चुका है? ये ट्रक वाला तो पहली बार आया, ये ट्रक वाला तो पहली बार आया, लेकिन इसका कहना है कि और भी एक दो ट्रक गए हैं यहाँ से भरा के। संदीप यादव, सहायक संचालक कृषि। थाने पर एक फ़ोन आया था किसी व्यक्ति का, उसका यह कहना था कि अंपायर विक्ट्री कॉलोनी जो है आरटीओ के पास में, आरटीओ ऑफिस के पास में, वहाँ पर अंपायर विक्ट्री कॉलोनी के पीछे एक कंपाउंड है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर नकली खाद बनाई जा रही है डीएपी। कुछ डीएपी की जो इफ़को कंपनी की बोरियां हैं, वहां पर खाली बोरियों में कुछ मटेरियल भरा जा रहा है, और असली डीएपी की तरह बाज़ार में उतारने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। सूचना पर हमने प्राथमिक वहां पर जो पुलिस अधिकारी भेज करके तस्दीक कराई थी, सूचना प्रथम दृष्टया सही पाई गई, और सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को और कृषि विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब, उनको सूचना दी गई थी। उनके द्वारा इफ़को कंपनी के अधिकारियों को भी सूचना दी गई थी, और फिर ये संयुक्त रूप से ये कार्रवाई ये कंप्लीट की गई है, और इसमें कुछ संदिग्धों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और अभी जब जांच रिपोर्ट कृषि विभाग की हमें मिल जाएगी, उसके उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें शुरुआती तौर पे एक सचिन पिता सूरज कटारिया और राजेंद्र बिरथरे के नाम आए हैं, और इसमें अभी जांच चुकी चल रही है, और फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।